नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का फोर्थ सेशन ऑफ एरर, राइट? इट्स अ फोर्थ वॉल्यूम ऑफ एरर्स। जैसा कि हम थ्री सेशंस में कर चुके हैं गाइस एरर्स, आज फोर्थ सेशन में देखेंगे वो कौन से एरर्स हैं, वो कौन से 15 एरर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? तो स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ और समझेंगे वो 15 एरर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो शुरू के थ्री वॉल्यूम थे वो आपने अच्छे से देखे होंगे। वो गाइस बेसिक एरर्स थे। बेसिक्स इन द सेंस, बेसिक होता है कि हाँ ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको समझने के लिए हमारे बेसिक्स बहुत कंप्लीट और क्लियर होने चाहिए, राइट? तो मैंने आपसे कहा था कि बेसिक्स की जो वीडियोज़ हैं वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, उसको हम बाद में निकालेंगे। फिलहाल जिनके एग्जाम्स हैं उनके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके लिए वो 15 एरर्स जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट हैं वो निकाले जा रहे हैं। एम आई क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 15 और देखते हैं कि वो कौन से 15 एरर्स हैं। लेकिन उससे पहले आज मैंने काम किया है छोटा सा। एक्चुअल में करना क्या है दोस्तों, मैंने आपसे पिछली बार एक चीज़ कही थी कि मैं आपको एरर दे रहा हूँ और उन एरर्स को करने के बाद आप पहले उन एरर्स को करेंगे कंप्लीट, अपने आप को फिर मार्क्स देंगे मेरे साथ साथ, राइट? मतलब मैं आपको आंसर बताता हुआ जाऊँगा लेकिन मुझसे पहले आप करते जाएंगे। तो थोड़ा मिसमैच हो रहा था टाइमिंग का। अब क्या किया है मैंने आपको शुरू में 15 एरर्स की एक लिस्ट दी है, राइट? मैं भी आपको दिखाऊंगा वो 15 एरर्स की जो मैंने लिस्ट दी है आपको, उसको आपको वीडियो को पॉज करना है और 15 एरर्स पहले कर लेने हैं। 15 एरर्स हैं, 7 to 8 मिनट लीजिएगा अच्छे से करने के लिए और कंप्लीट करिएगा। फिर मैं आपको 15 एरर्स पूरे समझाऊंगा कि वो एरर्स कैसे किए जाएंगे और आपके जितने भी सही हैं या गलत हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे, राइट? विद नेगेटिव मार्किंग, राइट? कोशिश करेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ, वरना अभी फिलहाल अपने आप को देखेंगे कि आप कितने सक्षम हैं, कितने एबल हैं उनको करने में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वो 15 एरर्स और देखते हैं वो कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये 15 एरर्स जो कि आपके लिए हैं। ये है फर्स्ट 5 एरर्स, 1, 2, 3, 4, 5 एरर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। इन एरर्स को समझिए, पॉज करिए वीडियो और देखिए ये 5 एरर्स, इनमें क्या एरर हो सकता है। इन 5 को करने के बाद नेक्स्ट 5 आपके पास ये हैं 6 to 10 और इसके बाद 11 to 15 दोस्तों ये हैं। तो ये हैं आपके 15 एरर्स इस तरह से। पहले इन 15 एरर्स को आप कंप्लीट करिए अपने खुद के मेथड के साथ, खुद की अप्रोच बनाइए और उसके बाद फिर आप वीडियो के सेशन को आगे देखिए कि एरर में कैसे कैसे बताया गया है और कैसे कैसे सॉल्व करना है, राइट? दोस्तों एरर करना भी ना एक आर्ट होती है, एरर करना भी एक कला है। आपको पहले सेंटेंस को पढ़ना आना चाहिए कि हमें सेंटेंस पढ़ना कैसे है। आप यदि पढ़ना जानते हैं फिर हम बात करते हैं ग्रामर की कि भाई ग्रामर क्या होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पहले ग्रामर ढूंढना चाहते हैं, ना ना ना, आपको पहले रीडिंग आनी चाहिए कि मुझे रीडिंग करनी है। क्योंकि कभी 75% केसेस में क्या होता है कि जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको रीडिंग के साथ ही एरर मालूम पड़ जाता है। कभी कभी हमारी ग्रामर स्ट्रांग होती है लेकिन हम एरर नहीं ढूंढ पाते हैं। तो रीडिंग पोर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल पोर्शंस, राइट एवरीबॉडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एरर पहले। सो हियर आई एम अगेन, राइट? तो इधर हूं मैं आपके साथ और यहां मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा पहले एरर। इससे पहले मैं अपनी थोड़ी इमेज को छोटा कर लेता हूं, राइट? दैट इज मोर देन सफिशियंट, इट्स कूल, राइट? सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द एरर फ्रॉम हियर दोस्तों। सो मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये आपका नंबर वन एरर। नंबर वन है, आवर टीम्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गेम्स इज फेयरली ऑर्डिनरी एंड बिलो आवर स्टैचर। फिर से रिपीट करूंगा, आवर टीम्स परफॉर्मेंस, हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक, लास्ट कुछ घरेलू और इंटरनेशनल गेम्स में इज फेयरली ऑर्डिनरी, वो बिल्कुल फेयरली रूप से बहुत साधारण रही है, एंड बिलो और नीचे रही है आर स्टेचर। मतलब स्टेचर का मतलब है क्या है, स्टेचर का मतलब है हमारे स्टेटस से, राइट?
इट मींस हमारे टीम की जो परफॉर्मेंस है लास्ट फ्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेम्स में वो कैसी रही है, वो बहुत ऑर्डिनरी रही है एंड बिलो आर स्ट्रेचर, और हमारे स्टैंडर्ड से थोड़ी नीचे रही है। यह है सेंटेंस का मीन। तो दोस्तों हम डायरेक्ट एरर की बात करेंगे, आप में से कुछ लोगों ने एरर फाइंड आउट किया होगा, देखते हैं किसका सही है। सेंटेंस में एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे, आर टीम्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गेम्स इज। आपको मालूम है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज जो होता है सेंटेंस में वो होता है दोस्तों स्टेबल कंडीशन में। जो चीजें स्टेबल होती हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? इज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल? क्या मीनिंग है स्टेबल का? स्टेबल का मतलब ये हो गया कि जो चीजें स्थिर हैं, जो टिकी रहती हैं। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो भाई राम इज अ गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो स्टिल है कि राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे कोई चीज ऐसी नहीं है कि राम आज अच्छा है कल अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। राम इज अ गुड बॉय। जैसे मैंने आपसे कहा माई मदर इज अ नाइस लेडी, तो यहाँ पे इज का यूज हुआ। मैंने आपसे कहा यू आर अ स्टूडेंट, तो इज एम आर का जो यूज होता है वो स्टेबल कंडीशन के लिए होता है, जो चीज है, जो चीज वैसी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में, आप ध्यान से पढ़ेंगे, आर टीम्स परफॉर्मेंस इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गेम्स। मतलब ये जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमेशा की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है इन द लास्ट फ्यू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल गेम्स। जो अभी अभी कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेम्स हुए उनकी जो परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों चूंकि वो बात कर रहा है हमारे अभी अभी की परफॉर्मेंस की जो कि कुछ लास्ट में रही है, तो आपको ध्यान है कि ऐसा कौन सा टेंस होता है जो कि हम बात करते हैं अभी भी गुजरे हुए समय की, जो हमें अभी भी बीता है। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और क्यों होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसीलिए होता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम अभी अभी हो चुका है। तो सेंटेंस में एरर जो है वो इज में होना चाहिए, और होना चाहिए यहाँ पे Our team's performance in the last few domestic and international games has been fairly ordinary, रही है। तो यहाँ इसके प्लेस पे आपको क्या लगाना है? यहाँ आपको इसके प्लेस पे लगाना has been। और दोस्तों क्यों लगाना has been, क्या रीजन है ये आपको पता पड़ गया होगा, क्योंकि has been का मतलब है कि पहले से और अभी तक रही है, ऐसी रही है। जो कम से कम 3 महीने गेम चले, 4 महीने गेम चले, या 1 month गेम चले, तो एक ड्यूरेशन ऑफ पीरियड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? has been, राइट एक ड्यूरेशन होती है उसके लिए हैज बीन। हमारी टीम की परफॉर्मेंस लास्ट फ्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गेम्स में हैज बीन फेयरली, कैसी रही है? बहुत ही ऑर्डिनरी रही है और बिलो आर स्टेचर, और हमारे स्टैंडर्ड से नीचे रही है। तो हैज बीन का यूज आप ध्यान रखेंगे, हैज बीन का यूज या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है, और या फिर कहां होता है? जो काम कुछ समय के लिए हुआ था तो वहां होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बीन। आइए बढ़ते हैं नंबर सेकंड, they have fairly standard accounting procedures that are on the line with the internationally accepted norms. What does it mean? They have fairly standard accounting. यहाँ पे have का use दोस्तों किसी tense की तरह नहीं हुआ है, present perfect की तरह। यहाँ have का मतलब है रखने से। तो they have fairly standard accounting procedures, उनके पास क्या है? उनके पास बहुत ही अच्छे रूप से एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर है। अकाउंटिंग के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनके पास एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर है। डेट आर ऑन द लाइन, जो कि एक लेवल में है, जो कि एक लाइन में है विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स। और कैसी लाइन में है? एक ऐसी लाइन में जो कि एक्सेप्ट की जाती है किसके द्वारा? इंटरनेशनली नॉर्म्स के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, और उनके पास ऐसा ही स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है। राइट आपने देखा होगा काफी कंपनीज काम करती हैं, तो वो कंपनीज क्या कहती हैं कि भाई हम अपने स्टैंडर्ड से खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड से खिलवाड़ नहीं करेंगे मतलब उनका एक स्टेटस ऑफ माइंड है, उनका एक स्टैंडर्ड है, वो उसी स्टैंडर्ड में काम करते हैं। तो दोस्तों यही इसी सेंटेंस में बात की गई है, जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है वो एक लाइन में व्यवस्थित हैं, और वो क्या है? वो विद द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड नॉर्म्स, वो जो नॉर्म्स हैं वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो इंटरनेशनल तरीके से एक्सेप्ट किया गया है। क्लियर? तो एक फ्रेज होता है दोस्तों,
ऑन द लाइन, जो आप यहां देख रहे हैं ऑन द लाइन, जो व्यवस्थित है एक लाइन में, तो वहां ऑन द लाइन कोई फ्रेज नहीं होता, हम यूज करते हैं इन द लाइन। तो सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, आपको बस ऑन के प्लेस पे इन का यूज करना है। ये एक फ्रेज है, मतलब व्यवस्थित रूप में लगा हुआ होना, इसे बोलते हैं हम लोग इन द लाइन। आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नंबर थर्ड क्या कह रहा है ये। द एक्टर इज नेगोशिएटिंग न्यू मर्चेंडाइज लॉन्चेस एट नियर बाय हाफ द कॉस्ट। तो सेनेस कहना चाह रहा है कि जो एक्टर है वो नेगोशिएट कर रहा है। द एक्टर इज नेगोशिएटिंग, नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएटिंग, बार्गेनिंग करना। आप लोगों से अच्छी बार्गेनिंग कौन करता होगा, जानते हैं आप। तो सेनेस कहना चाह रहा है एक्टर जो है वो नेगोशिएट कर रहा है नए मर्चेंडाइज लॉन्चेस को, नए नए व्यापारिक सामान को। दोस्तों यहां पे इज नेगोशिएटिंग जो है वो है वर्ब, लेकिन ये जो आपने देख रखा है मर्चेंडाइज लॉन्चेस, यहां पे लॉन्चेस का मतलब है सामान से, माल से, तो ये क्या है, ये नाउन का काम कर रहा है। हम में से कुछ लोग इसको वर्ब समझेंगे, इट्स नॉट अ वर्ब, इट्स अ नाउन। लॉन्चेस, लॉन्च मतलब यहां पे लॉन्च करने से नहीं है, यहां पे लॉन्चेस का मतलब है जो सामान लॉन्च हुआ है, जो सामान है उसे बोलते हैं लॉन्चेस यहां पे। तो सेनेस कहना चाह रहा है आपसे एक्टर नेगोशिएट कर रहा है नए व्यापारिक सामान को, माल को, एट नियर बाय लगभग हाफ द कॉस्ट में, आधे कॉस्ट में। तो व्हाट डज इट मीन भाई, साफ साफ मीन है किसी एक्टर को कोई सामान बेचा जा रहा है 50,000 में, लेकिन भैया एक्टर भी बहुत चालाक है, वो क्या कर रहा है, वो 50,000 का सामान 25,000 में लेना चाह रहा है, 25,000 में। वो कह रहा है भाई देना है तो दे, वरना मैं नहीं लूंगा, मैं तो 25,000 में लूंगा। तो द एक्टर इज नेगोशिएटिंग, एक्टर नेगोशिएट कर रहा है नए व्यापारिक सामान को, न्यू मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब क्या है, व्यापारिक। लॉन्चेस मतलब यहां पे माल को, एट नियर बाय लगभग हाफ द कॉस्ट में, आधी कॉस्ट में, ठीक है। अब आपको एक बात समझनी है, यहां पे समझना ये है कि नेगोशिएट का मतलब होता है किसी चीज की बार्गेनिंग करना। तो दोस्तों बार्गेनिंग लगभग में तो की जाती है, तो जब यहां पे नेगोशिएटिंग ऑलरेडी यूज हो रहा है तो यहां पे नियर बाय क्यों यूज होगा, देयर इज नो यूज ऑफ नियर बाय, नियर बाय अब यूज नहीं करेंगे। क्लियर, तो सेंटेंस बन जाएगा द एक्टर इज नेगोशिएटिंग न्यू मर्चेंडाइज लॉन्चेस एट हाफ द कॉस्ट एंड दैट्स इट, एट हाफ द कॉस्ट। कॉस्ट के लिए हम एट का यूज करते हैं, तो आधे रेट पर। दिस इज व्हाट वी कॉल द राइट आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, नॉट आई होप, आई ट्रस्ट कि आपको डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। ये नेगोशिएट का मतलब क्या होता है, नेगोशिएट का मतलब बार्गेनिंग करना, और बार्गेनिंग लगभग रूप में की जाती है, राइट। तो ऐसे ही नियर बाय का यूज यहां पे इसके संग नहीं होगा, एक ही मीन के दो वर्ड यूज नहीं हो सकते। नंबर फोर्थ है दोस्तों द कंपनी डायरेक्टर्स हैव बीन मैट। कंपनी डायरेक्टर्स जो हैं वो मिले हैं किससे, हेड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जो बैंक्स के कमर्शियल बैंक्स के हेड्स हैं उनसे, लेटर दिस वीक, इस वीक के लेटर, इस वीक के बाद में, टू गेट देयर व्यूज, व्यूज पाने के लिए ऑन द क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट पर, एंड ग्रोथ इन डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट की क्या ग्रोथ रही है उन पर। डिपॉजिट मतलब जमाएं, जो जमाएं रुपए हैं उनकी ग्रोथ पर। सेंटेंस का मीन है ये, देखते हैं एरर। द कंपनी डायरेक्टर्स हैव बीन मैट, दोस्तों पैसिव वॉइस में है, हैव के साथ बीन लग जाना और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना, ये पैसिव वॉइस कहलाता है, जबकि होना चाहिए ये एक्टिव में। ये अभी तो लिखा है इसने पैसिव में, किसमें लिखा है, पैसिव में। पैसिव में यदि सेंटेंस है तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन होगा कंपनी डायरेक्टर्स हैव बीन मैट, कंपनी डायरेक्टर्स को मिलाया गया है। तो भैया कंपनी डायरेक्टर्स को मिलाया नहीं गया, कंपनी डायरेक्टर्स मिले हैं, इसीलिए यहां पे बीन का यूज नहीं होगा। तो सेंटेंस क्या बन गया, द कंपनी डायरेक्टर्स हैव मैट हेड्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि एक्टिव में काम क्या होता है, सब्जेक्ट खुद काम करता है, और पैसिव का मतलब क्या हो गया, वहां ऑब्जेक्ट काम करता है सब्जेक्ट पर, तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके पास सब्जेक्ट है। तो कंपनी डायरेक्टर्स हैव मेट, कंपनी के डायरेक्टर जो है वो मिल चुके हैं कमर्शियल बैंक्स के हेड से बाद में इस हफ्ते के, टू गेट देयर व्यूज, उनका व्यूज पाने के लिए, किस पर, ऑन द क्रेडिट लिमिट एंड ग्रोथ इन डिपॉजिट्स, जो जमाए हैं उनकी ग्रोथ पर और कितनी क्रेडिट लिमिट हुई उस पर। तो यहां पे बीन नहीं आएगा, आपको यूज करना है दोस्तों क्या, हैव मैट, सिंपल है। नंबर फिफ्थ है हमारा, इंडियन साइंटिस्ट्स आर मेकिंग वेव्स। वाह, वेव्स, इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो एक वेव्स बना रहे हैं, मेकिंग वेव्स। दोस्तों वर्ड का मीन जो है ना वो सेंटेंस के साथ फ्लक्चुएट करता है, आप ध्यान रखेंगे। वेव का मतलब लहर भी होता है,
अब यहां ये तो होगा ना कि इंडियन साइंटिस्ट कोई लहर बना रहे हैं, ना ना ना, यहां पे एक वेव है, मतलब किसी प्रकार की हवा चल रही है उसको बना रहे हैं। वो हवा काय की है देखते हैं। इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग वेव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो इंडियन साइंटिस्ट हैं वो अपना परचम लहरा रहे हैं। क्या लहरा रहे हैं? परचम, मतलब एक वेव बना रहे हैं। किस प्रकार की? देयर आइडियाज, उनके आइडियाज एंड इन्वेंशंस आर यील्डेड, उनके आइडियाज और जो इन्वेंशंस हैं, इन्वेंशंस मतलब क्या हो गया, आविष्कार जो हैं आर यील्डेड, वो बहुत उपजाऊ हैं, वो बहुत मतलब फ्रूटफुल हैं। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ उन्होंने दिखाया है, किसको? अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ को, एक ऐसी ग्रोथ को जो कि जिसकी संभावना ही नहीं थी, जिसको सोचा ही नहीं गया था, इनकम में एंड एम्प्लॉयमेंट में, मतलब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, रोजगार में और इनकम में। इंडियन साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ी संसार में वेव दिखाई है, एक खुशी की लहर दिखाई है। देयर आइडियाज एंड इन्वेंशंस आर यील्डेड, उनके जो विचार हैं और जो इन्वेंशंस हैं, जो आविष्कार है, आर यील्डेड, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उनका उनको प्रोडक्टिव बनाया जाता है। किस क्षेत्र में? अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, जिन्होंने दिया है अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, मैं जब बार बार सेंटेंस का मीन लगा रहा हूँ तो यहाँ सेंटेंस का मीन अटक रहा है, आर यील्डेड, क्योंकि सेंटेंस का मीन नहीं लग पा रहा। क्यों नहीं लग पा रहा? क्योंकि ये जो है आर मेकिंग, ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, मतलब काम चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो यहां भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग वेव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, देयर आइडियाज एंड इन्वेंशंस आर यील्डिंग, उनके जो आइडियाज हैं और जो इन्वेंशंस हैं वो क्या है, वो प्रोडक्टिव हो रहे हैं, वो प्रोडक्टिव कर रहे हैं, किसको? अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ में, ग्रोथ किस में? इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में। तो यहां पे होना चाहिए YIELDING, यील्डिंग मतलब प्रोड्यूस करना, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रोथ, इनकम की ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को। कौन कर रहा है? इंडियन साइंटिस्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने आइडियाज से और अपने इन्वेंशन से। सो इंडियन साइंटिस्ट के लिए सल्यूट गाइस, राइट। चलिए नंबर सिक्स कहना चाह रहा है, द पेट्रोल प्राइजेस हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड। भैया पेट्रोल प्राइजेस ने बड़ा परेशान कर रखा है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। द पेट्रोल प्राइजेस हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज, पेट्रोल के जो प्राइजेस हैं वो ऑलरेडी बढ़ चुके थे, ट्वाइस इन द लास्ट 15 मंथ्स, 15 मंथ्स में ट्वाइस मतलब दुगने, 15 मंथ्स में क्या हो गए थे? दुगने हो गए थे। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, और जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, राइट, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम इस समय कौन है, ये जीए का क्वेश्चन है। आपको मुझे क्या बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का जो मिनिस्टर है वो कौन है हमारा, ठीक है। तो सेंटेंस मैंने आपसे कहा, द पेट्रोल प्राइसेस हैड ऑलरेडी बीन इंक्रीज्ड ट्वाइस इन द लास्ट 15 मंथ्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हैड ऑल्सो लेविड एडिशनल मंथली चार्जेस। भैया पेट्रोल के प्राइस कम थे क्या? जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने हम पे एक्स्ट्रा चार्ज, एडिशनली मंथली चार्जेस भी लगाएड, मतलब थोप दिए। किस पे थोप दिए? कंज्यूमर्स पर थोप दिए। तो भैया एक बात बताओ, पर की इंग्लिश टू तो होती नहीं है, हम कहें कंज्यूमर्स पर तो टू तो होती नहीं है, तो क्या होती है? ऑन होती है। तो यहां पे आ जाएगा सेंटेंस में ऑन। क्यों आ जाएगा ऑन? क्योंकि वो कह रहा है लेविड ऑन। देखिए एक तो फ्रेज ध्यान रखिए, एक फ्रेज होता है लेविड ऑन मतलब किसी पर थोपना, और फ्रेज याद नहीं रख सकते तो सेंटेंस का मीन देख लीजिए, लेविड एडिशनली मंथली चार्जेस किस पर? ऑन कंज्यूमर्स, एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। क्लियर दोस्तों? इट्स वेरी सिंपल। और मेरा क्वेश्चन ध्यान रखें, आपको मुझे बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में मिनिस्टर का नाम क्या है, राइट? सो यू हैव टू टेल मी इन माय कमेंट बॉक्स। चलिए नंबर सेवन कहना चाह रहा है, डिस्पाइट ऑफ कर्फ्यू इन सम एरियाज माइनर कम्युनल इंसिडेंट्स वेर रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द वॉल्ड सिटी। व्हाट डज इट मीन? डिस्पाइट ऑफ कर्फ्यू, कर्फ्यू के बावजूद कुछ एरियाज में कर्फ्यू के बावजूद माइनर कम्युनल इंसिडेंट्स, जो कुछ सामाजिक दंगे हैं, कम्युनल मतलब जातिवादी, राइट, जातिवाद के जो दंगे होते हैं, जो कम्युनिटी के दंगे होते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दंगे करती हैं। तो सेंस कहना चाह रहा है, डिस्पाइट ऑफ कर्फ्यू के बावजूद कुछ एरिया में जो बहुत ही माइनर कम्युनल इंसिडेंट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे कम्युनल इंसिडेंट्स जो हैं, वे रिपोर्टेड, उनको रिपोर्ट किया गया, उनको देखा गया, उनको महसूस और लिखा गया, फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड सिटी, डिफरेंट एरियाज से, कहाँ? ऑफ द वर्ल्ड सिटी, वो सिटी जो कि वर्ल्ड, जो कि घिरी हुई थी, जो कि
चीजों से घिरी हुई थी जो कि वॉल्ड सिटी थी। तो वॉल्ड सिटी के चारों ओर क्या देखा गया कि कुछ कम्युनल इंसिडेंट्स थे जो कि माइनर थे कुछ एरियाज में, जो दंगे फसाद हो रहे थे। किसके बावजूद? कर्फ्यू के बावजूद वो हो रहे थे। एरर आप सबको मिल गया होगा, बहुत सिंपल एरर है दोस्तों, हम सब जानते हैं। डेस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता। डेस्पाइट क्या नहीं लेता? ऑफ नहीं लेता। तो भाई डेस्पाइट ऑफ नहीं लेता तो क्या होता है फिर? तो डेस्पाइट का मतलब ही होता है के बावजूद। यदि डेस्पाइट को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ के साथ। तो भैया क्या लेता है? इन स्पाइट अपने साथ ऑफ लेता है, तो आप इन स्पाइट के साथ इसको चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? या तो आप डेस्पाइट हटा के इन स्पाइट लगा दें, इन स्पाइट ऑफ, या फिर डेस्पाइट। लेकिन यहाँ पे डेस्पाइट जो है बिल्कुल सटीक है, एक सही आंसर है। आप इन स्पाइट ऑफ ना लगाएं, डेस्पाइट लगा रहने दें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ। फिलहाल डेस्पाइट ऑफ नहीं लेता, इसलिए ग्रामेटिकल एरर ऑफ का है। क्लियर? श्योर? यदि आपको क्लियर है तो प्लीज 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 आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये एरर्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स हैं आपके लिए, एंड आई बिलीव, आई 120% बिलीव कि आपको क्लियर हो रहे होंगे। नंबर एट है आपका, दीज पॉलिटिशियंस हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज प्रॉपर्टी। क्या मीन है? These politicians have been asked, इन politicians से पूछा गया, क्या पूछा गया? To furnish their financial details, कि वो अपनी financial details को दिखाएं। यहाँ पे furnish का मतलब क्या है? Show करने से। Furnish means show करें। And information, और अपनी information दें about his property, अपनी property के बारे में। बहुत गजब बात है, बहुत अच्छी बात है, politicians से ली जा रही है भाई, आम जनता तो चाहती है ये। तो सेनेस कहना चाह रहा है ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनसे कहा गया है टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स, कि अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स को ये शो करें और इंफॉर्मेशन को शो करें, इंफॉर्मेशन दें अबाउट हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। ये भैया एक बात बताओ मुझे, ये हिज किसके लिए आया है? ये हिज आया है पॉलिटिशियंस के लिए, यदि मैं सही हूं तो। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं शायद, आपको पता होगा पॉलिटिशियंस के लिए हिज आया है। ये पॉलिटिशियंस क्या है? ये प्लूरल है ना, प्लूरल है, बहुत सारे हैं। तो क्या हिज का यूज होगा? जी नहीं। तो क्या यूज होगा? देयर यूज होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा और बिल्कुल अच्छा गैस किया है। जिन लोगों ने गैस गलत किया है कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी तरफ से पार्ले की टॉफी खा लेंगे, राइट? लेकिन आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे देयर लगेगा, ना कि क्या लगेगा? हिज लगेगा। क्यों लगेगा हिज? हिज लगता है सिंगुलर के लिए, देयर लगता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे पॉलिटिशियंस है इसलिए देयर लगाए, ना कि हिज। क्लियर? नंबर नाइन दोस्तों, नंबर नाइन है मेरे दोस्तों, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम। स्टेडियम का जो कंस्ट्रक्शन है, विच विल बी मेड फंक्शनल, जो चालू किया जाएगा विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 सालों में, रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। उसको जरूरत है किसकी? एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, कि उसमें और इन्वेस्टमेंट किया जाए ऑफ 100 करोड़। अरे बापरे, कितने का? 100 करोड़ रुपीज का। आपने देखी है क्या इतने सारे रुपए? बताएंगे मुझे कि देखें कि नहीं देखें, राइट? मैंने तो नहीं देखे भाई। तो सेनेस क्या कहना चाह रहा है आपसे? द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम, स्टेडियम का जो कंस्ट्रक्शन है, विच विल बी मेड फंक्शनल, जो चालू किया जाएगा, जिसको हम फंक्शनल बनाएंगे विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 सालों के अंदर अंदर, रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उसे जरूरत है। तो दोस्तों ये जो रिक्वायर है ये किसके लिए आया है? रिक्वायर एन एडिशनल, ये आया है द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम के लिए। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम। अच्छा बताएंगे आप मुझे कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सोच लें जब तक मैं बता देता हूं आपको। ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम है ये सिंगुलर है। क्यों भाई सिंगुलर है? अरे भैया यहाँ पे प्लूरल जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है प्लूरल जैसा? अरे बहुत सारे स्टेडियम है क्या? चलो मान लीजिए मैंने बहुत सारे स्टेडियम होते तो किसकी बात कर रहा है? कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। और कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल चीजें क्या होती हैं? अनकाउंटेबल चीजें हमेशा सिंगुलर होती हैं, ध्यान रखेंगे। जो भी चीजें अनकाउंटेबल होंगी वो हमेशा सिंगुलर होंगी, अनकाउंटेबल, UNC। और UNC क्या होती हैं? हमेशा सिंगुलर होती हैं, ठीक है? तो कहना चाह रहा है कंस्ट्रक्शन जो है स्टेडियम का, वो चाहता है रिक्वायर्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रिक्वायर प्लूरल वर्ब है, तो रिक्वायर में आप रिक्वायर्स एस लगा देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा रिक्वायर्स, REQUIRES।
रिक्वायर्स, ठीक है, यहाँ एस जोड़ देंगे तो सेंटेंस बन गया, कंस्ट्रक्शन जो है स्टेडियम का विच विल बी मेड फंक्शनल, जो फंक्शनल मतलब जो फंक्शन करेगा, जो काम करेगा विद इन द नेक्स्ट टू ईयर्स, दो सालों में, उसे चाहिए, रिक्वायर्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, वो चाहता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ रुपीज का। आई बिलीव कि आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर 9, नंबर 10 दोस्तों देखते हैं क्या है। नंबर 10 है, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंज द रिक्वायर्ड मटेरियल एंड असेंबलिंग द मशीन। वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाइस इसका मतलब क्या है, वी हैव टेकन ऑन, थोड़ा सोचिए जब तक आप। तो सेंटेंस कहना चाह रहा है, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंज द रिक्वायर्ड मटेरियल एंड असेंबलिंग द मशीन। आई बिलीव कि आपने सोच लिया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेकन ऑन। मैं आपको बता देता हूं, आई बिलीव कि टेकन ऑन एक फ्रेज है, राइट, और यहां टेकन ऑन का मतलब होता है एक्सेप्ट करने से, किसे, चीजों को एक्सेप्ट करने से। तो मैंने आपको बताया, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑफ अरेंज द रिक्वायर्ड मटेरियल, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि हमें अरेंज करना है रिक्वायर्ड मटेरियल, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो मटेरियल हमें चाहिए, एंड असेंबलिंग द मशीन। हम क्या किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमें मटेरियल अरेंज करना है और जो मशीन है उसको असेंबल करना है, उसको इकट्ठा करना है, उसको बनाने के लिए हमें चीजों की जरूरत है। सेंटेंस फिर से बता देता हूं मैं आपको, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि हम मटेरियल, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो मटेरियल चाहिए हमें मशीन बनाने के लिए, उसको हम अरेंज करें एंड असेंबलिंग द मशीन, और मशीन को हम पुनर्निर्मित करें, मतलब निर्मित करें मशीन को, मशीन को बनाएं। क्लियर? तो हमने एक चीज देखी होगी, एंड के बाद एक वर्ब आ रही है आईएनजी वाली, आ रही है ना। अब ये जो आईएनजी वाली वर्ब एंड के बाद है, तो दोस्तों एंड से पहले भी जो वर्ब है ना वो भी आईएनजी में होती है, एक चीज। दूसरी चीज कि प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब है वो हमेशा आईएनजी में होती है। तो ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के संग यहाँ पे अरेंज नहीं आएगा, क्या आएगा, अरेंजिंग, ए डबल आर ए एन जी आई एन जी, अरेंजिंग। और क्यों आएगा अरेंजिंग, अरेंजिंग इसीलिए आएगा क्योंकि ऑफ जो है दोस्तों वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेते हैं, प्रीपोजिशंस अपने बाद आईएनजी लेते हैं प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है। तो सेंटेंस कहना चाह रहा है आपसे, वी हैव टेकन ऑन, हम ले चुके हैं, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं द रेस्पॉन्सिबिलिटी को ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल, कि हमें अरेंज करना है रिक्वायर्ड मटेरियल एंड असेंबल करनी है मशीन, और हमें मशीन को क्या करना है, असेंबल करना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि मैंने आपको बताया कि टेक ऑन का मीन्स एक फ्रेज है, ये आप लिख लेंगे कहीं, टेक ऑन क्या होता है, मीन्स एक्सेप्ट करना। इसका हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ यदि टेक ऑन के एग्जाम्पल में, शी रिफ्यूज टू टेक ऑन द ट्रेडिशनल वुमेन्स रोल। मैं आपसे यदि सेंटेंस में कहूँ तो इसका मीन क्या होगा, शी रिफ्यूज टू टेक ऑन द ट्रेडिशनल वुमेन्स रोल, क्या मतलब हुआ, She refused to take on, उसने accept करने से मना कर दिया, किसके role को, traditional women के role को, मतलब उसे एक role दिया गया था traditional women का, कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक नाटक करना है traditional women का नाटक, तो उस बंदी ने मना कर दिया कि भाई मैं ना करूंगी किसका role, traditional women का, तो उसने accept करने से मना कर दिया, She refused to take on blah 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 blah, तो उसने accept करने से मना कर दिया, take on का means accept करना, clear? नंबर 11 कह रहा है आपसे दोस्तों, नंबर 11th, विटनेस द यंग बॉयज एबिलिटी, यंग बॉय की एबिलिटी को शो करते हुए टू सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जिस तरह से वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व किया करता है, हिज मैथमेटिक्स टीचर, उसके जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं पुश्ड हिम, उन्होंने उसको पुश किया टू पार्टिसिपेट, कि वो पार्टिसिपेट करे, वो हिस्सा ले, किसमें, इन द ऑल इंडिया मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, जो ओलंपियाड होते हैं मैथमेटिक्स के ऑल इंडिया में, उसमें पार्टिसिपेट करें, राइट? अब देखते हैं एरर, सेनेस कहना चाह रहा है विटनेस द यंग बॉयज एबिलिटी, यंग बॉय की एबिलिटी को देखते हुए या शो करते हुए। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, इससे पहले हम एरर्स कर रहे थे, कि जहां भी हुआ हुई हुए आता है, क्या आता है, हुआ हुई हुए, वहां पे हम जो वर्ब लगाते हैं वो आईएनजी में लगाते हैं, किसमें लगाते हैं,
आईएनजी में। तो यहां पे जो विटनेस्ड है वो क्या हो जाएगा, विटनेसिंग। इसी दोस्तों हम बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। जब वर्ब में आईएनजी लग जाए और एडजेक्टिव का काम करे तो ये कहलाती है पार्टिसिपल। ठीक है, इसको हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखें यहां विटनेस्ड वर्ड यूज नहीं होगा, यहां यूज होगा विटनेसिंग। तो विटनेस में से आप ईडी हटा दें और लगा दें विटनेसिंग। और क्यों हुआ विटनेसिंग, विटनेसिंग इसीलिए हो गया क्योंकि कहना चाह रहा है यंग बॉय, जो जवान लड़का है, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता को शो, विटनेस मतलब दिखाते हुए, टू सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देखते हुए, यहाँ पे विटनेस का मतलब देखते हुए भी होता है, देखते हुए कि जिस तरह वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता है, तो उसके मैथमेटिक टीचर ने उसे पुश किया कि बेटा जाओ पार्टिसिपेट करो, कहाँ पे, ऑल इंडिया मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, और नाम करो भारत का, राइट, मतलब अपना भी नाम करो। तो विटनेसिंग द यंग बॉयज एबिलिटी, यंग बॉय की योग्यता को देखते हुए, तो हुआ हुई हुए वर्ब में आईएनजी लेते हैं। क्लियर, श्योर, पक्का, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, अच्छा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहूं पेड़ पर चढ़ते हुए, पेड़ पर चढ़ते हुए क्या बनाएंगे इसकी इंग्लिश, सोचे, ठीक है, जितने लोगों ने सोचा है क्लाइंबिंग ऑन द ट्री वो सही है, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर चढ़ते हुए मैंने उसे देखा, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री आई सॉ हिम, पेड़ पर चढ़ते हुए मैंने उसे देखा, तो क्लाइंबिंग ऑन द ट्री आई सॉ हिम, तो क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, क्यों लगाया क्लाइंबिंग, क्योंकि चढ़ते हुए। क्लियर, नंबर 12, दोस्तों नंबर 12 कहना चाह रहा है आपसे, इट इज ऑल वेल नोन दैट चिल्ड्रन आर जनरली इन फेवर ऑफ लाइट टॉपिक्स लाइक जोक्स एंड एक्सप्रेशंस दैट कॉजिंग लाफ्टर ऑल अराउंड। व्हाट डज इट मीन, इट इज ऑल वेल नोन दैट, ये अच्छे से जाना जाता है कि बच्चे जो हैं आर जनरली इन फेवर ऑफ, वो फेवर में होते हैं, वो किस फेवर में होते हैं, ऑफ लाइट टॉपिक्स, के भैया उनको ना बहुत हार्ड टॉपिक्स नहीं कराए जाएं, उनको लाइट टॉपिक्स कराए जाएं, लाइक कैसे, जोक्स एंड एक्सप्रेशंस, जिनमें कि जोक्स हो, थोड़े मजाक हो, टीचरों पे बात कही गई है हाँ, और एक्सप्रेशंस, और थोड़े मतलब हाव हाव दिखाए जाए, थोड़े एक्सप्रेशंस हो, दैट कॉजिंग लाफ्टर ऑल अराउंड, जो एक एनवायरमेंट पैदा कर दें, किसका, लाफ्टर का, हंसी का। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा उनको, उनको पढ़ाते समय दो तीन चीज़ों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है कि एक तो बहुत सीरियसनेस की पढ़ाई ना हो, वो बच्चे बेचारे बोर हो जाएंगे, वो बार बार यही कहते रहेंगे सर मे आई गो टू टॉयलेट, सर मे आई गो टू हैव अ वाटर, तो दैट वुड बी द नॉट नाइसेस्ट पार्ट, राइट, दैट वुड नॉट बी द बेस्ट पार्ट, तो वो लोग क्या कहेंगे भाई। तो ऐसे में बच्चों को क्या कराए जाते हैं, थोड़े जोक्स टॉपिक दिए जाते हैं, थोड़े लाइट टॉपिक्स दिए जाते हैं, उनको एक्सप्रेशन के साथ पढ़ाया जाता है। क्लियर, तो सेनेस ने कहा इट इज ऑल वेल नोन, ये सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है कि दैट चिल्ड्रन आर जनरली इन फेवर ऑफ, बच्चे जो है वो फेवर में होते हैं किसके, लाइट टॉपिक्स के, लाइक जोक्स और एक्सप्रेशन की तरह, दैट कॉजिंग, ये ससुरा कॉजिंग क्यों आया भैया ये बताओ मुझे, ये कॉजिंग का क्या यूज है यहाँ पे, देयर इज नो यूज ऑफ कॉजिंग, तो यहाँ पे होना चाहिए दैट कॉजेज लाफ्टर ऑल अराउंड, जिसका कारण होता है, क्या कारण होता है, पूरे हर जगह हंसी बिखेर देना, उनको हंसी पसंद है, उनको खुशी पसंद है, यहाँ पे कॉजेज आना चाहिए। अब यहाँ पे कॉजेज आना चाहिए या कॉज आना चाहिए, बस ये देखना है। तो हमने देखा इसका सब्जेक्ट क्या है, कॉजिंग का इसका सब्जेक्ट है जोक्स एंड एक्सप्रेशंस, ये क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, जोक्स एंड एक्सप्रेशंस दोस्तों ये है प्लूरल, क्या है ये है प्लूरल, और चूंकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे कॉजेज आएगा ना कि, सॉरी यहाँ कॉज आएगा ना कि कॉजेज, क्योंकि कॉजेज सिंगुलर हो जाएगा और कॉज जो है वो प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कॉज, तो सेंटेंस बन जाएगा इट इज ऑल वेल नोन दैट चिल्ड्रन आर जनरली इन फेवर ऑफ लाइट टॉपिक्स लाइक जोक्स एंड एक्सप्रेशंस दैट कॉज, जो कारण बनते हैं लाफ्टर ऑल अराउंड के, तो बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैबिट शो कर रहा है, तो प्लूरल के लिए कॉज। क्लियर, नंबर 13 है दोस्तों, द इवनिंग ब्रीज वोंट कैरिंग द पोइट्री, द इवनिंग ब्रीज वोंट कैरिंग द पोइट्री ऑफ पीस बियॉन्ड द स्कूल बिल्डिंग, क्या मीन है, जो इवनिंग ब्रीज है, जो शाम की ठंडी ठंडी हवा है दोस्तों, शाम की हवा को हम ब्रीज बोलते हैं, बस ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, जो शाम की हवा है वोंट कैरिंग द पोइट्री, वो पोइट्री को, वो पोयम को आगे नहीं ले जाएगी, कैरी नहीं करेगी, ऑफ पीस, कैसी पोयम, शांति भरी पोयम,
कहाँ ले जाएगी? बियॉन्ड द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग के परे नहीं ले जाएगी। वाओ, आई सल्यूट द राइटर्स थॉट, कितनी अच्छी बात कही है। जो शाम की जो ब्रीज है ना, उसका जो मजा मिलेगा जब हम शाम को पोएट्री बोलेंगे, तो दोस्तों उसका मजा जो है वो हमें स्कूल की बिल्डिंग के इर्द गिर्द ही मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगी, मतलब वो स्कूल की बिल्डिंग के बाहर नहीं जाएगी। ये सेनेस में कहना चाह रहा है आपसे। तो सेनेस कहना चाह रहा है, द इवनिंग ब्रीज वोंट कैरिंग द पोएट्री, पोएट्री को कैरी नहीं करेगी, ऑफ पीस, शांति भरी, बियॉन्ड द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग के परे, स्कूल बिल्डिंग के अलावा। तो दोस्तों एक बार ध्यान रखना है, ये जो वोंट है, डब्ल्यू ओ एन टी, वोंट, पहले तो आपने बताया ये है क्या, वोंट, ये है विल नॉट। हम लोग विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वोंट, पहली चीज, ठीक है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वोंट। अच्छा, और यही वोंट वुड नॉट को भी शो करता है, डब्ल्यू ओ यू एल डी, वुड नॉट। इज इट क्लियर? हम इसी वोंट को विल नॉट भी बोलते हैं और इसी वोंट को हम वुड नॉट भी बोलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटेंस जो है ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए वुड नॉट तो नहीं होगा, ये विल नॉट होगा। जो इवनिंग ब्रीज है विल नॉट कैरी, बस सिंपल है, विल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम कैरिंग नहीं लगाएंगे। हम सभी जानते हैं कि विल नॉट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या लेता है? विल नॉट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो इसलिए कैरी आना चाहिए ना कि कैरिंग। इवनिंग जो ब्रीज है वो कैरी नहीं करेगी, वो नहीं कंटिन्यू करेगी पोइट्री को, किसकी पोइट्री को? शांति भरी पोएम को, बियॉन्ड द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग के परे। इसीलिए दोस्तों हमें ध्यान रखना है विल नॉट कैरी आएगा, बिकॉज फ्यूचर इंडेफिनिट क्या लेता है? फ्यूचर इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर 14, नंबर 14 कह रहा है दोस्तों आपसे, वी आर ब्रिंग इन द आइडिया, ये तो कतई सुभान अल्लाह सेंटेंस है, वी आर ब्रिंग इन द आइडिया दैट यूरोपियन रिहैबिलिटेशन फोकस्ड ऑन अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टूवर्ड्स क्रॉनिक पेन। क्या मतलब है इसका? वी आर ब्रिंग इन द आइडिया दैट यूरोपियन रिहैबिलिटेशन फोकस्ड। दोस्तों पहले तो आप ये समझिए कि एक फ्रेज जो है ब्रिंग इन, इसका मीन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग इन? जब हम बात करते हैं ब्रिंग इन की तो क्या मीन होगा? द मीनिंग ऑफ ब्रिंग इन इज टू इंट्रोड्यूस, किसी को किसी चीज से इंट्रोड्यूस कराना कहलाता है ब्रिंग इन। क्लियर? तो सेनेस कहना चाह रहा है वी आर ब्रिंग इन द आइडिया, हम एक आइडिया लाए या हमने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, सामने रखा, काय का आइडिया? दैट के यूरोपियन रिहैबिलिटेशन फोकस, जो यूरोपियन रिहैबिलिटेशन है, जो यूरोपियन पुनर्वास है, पुनर्वास करना, दोबारा बनाना या दोबारा किसी चीज को सिचुएटेड करना, तो यूरोपियन जो रिहैबिलिटेशन है उसने फोकस किया, फोकस्ड किस पे किया? ऑन अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच पर जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, जो कि बहुत सारी डिसिप्लिन्स रखती है चीजों के लिए, किसकी तरफ? टूवर्ड्स किसकी तरफ? क्रोनिक पेन, बहुत पुरानी पुरानी बीमारियों की तरफ, बहुत पुरानी पुरानी दर्द की तरफ। क्लियर हुआ? एक बार और करते हैं, सेंटेंस कहना चाह रहा है कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं यूरोपियन किसको? वी आर ब्रिंग इन द आइडिया, हम एक विचार इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो यूरोपियन रिहैबिलिटेशन है, जो यूरोपियन चीजों को दोबारा लाया गया है, यूरोपियन का जो रिहैबिलिटेशन किया गया है, यूरोपियन का जो पुनर्वास किया गया है, उसने फोकस किया मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर, एक ऐसी अप्रोच पर जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, जो कि बहुत सारी चीजों को खोलती है, किसकी तरफ? टुवर्ड्स क्रोनिक पेन, एक पुराने पेन की तरफ, पुराने दर्द की ओर, मतलब पुराने दर्द का इलाज या पुराने रोगों का इलाज करती है। क्लियर? सेनेस में एरर क्या है? साफ साफ दिख रहा है वी आर ब्रिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि या तो आप कह रहे हैं वी आर ब्रिंगिंग, तो वी आर ब्रिंगिंग हम ला रहे हैं एक आइडिया, हम आइडिया ला रहे हैं, और हम आइडिया क्या ला रहे हैं? दैट यूरोपियन रिहैबिलिटेशन फोकस्ड, कि यूरोपियन रिहैबिलिटेशन ने फोकस किया है भाई, तो ये काम तो पहले ही हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे आर ब्रिंगिंग तो नहीं हो सकता, तो इसको तो हटा दो आप पहला। तो क्या हो सकता है? क्योंकि सेंटेंस दोस्तों पास्ट में है, तो हम कर सकते हैं वी ब्रॉट इन द आइडिया, यहाँ पे आप ब्रिंग के प्लेस पे क्या कर सकते हैं? ब्रॉट, तो आप लिख सकते हैं बी आर ओ यू जी एच टी, और इन लगाना ना भूलें, इन तो लगेगा ही लगेगा, ये फ्रेज है ब्रिंग इन, मतलब इंट्रोड्यूस करना। तो वी ब्रॉट इन द आइडिया, हमने एक आइडिया सामने लाए, हमने एक आइडिया प्रोड्यूस किया, हमने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, काय का आइडिया? कि यूरोपियन रिहैबिलिटेशन ने फोकस किया है, ध्यान दिया है किस पर? ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पर, एक बहुत ही बढ़िया और बहुत सारे रोगों के लिए एक अप्रोच पर, टूवर्ड्स क्रोनिक पेन, जो कि पुराने पुराने पेन है, पुराने पुराने रोग हैं।
राइट, उन पर यूरोपियन रिहैबिलिटेशन ने फोकस किया, तो यहां पे ब्रॉट इन आना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर यहां पे हम ब्रॉट इन की जगह हैव ब्रॉट लगा दें तो दोस्तों वो भी ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम ये भी तो कह सकते हैं वी हैव ब्रॉट इन द आइडिया, हमने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया है, वो गलत नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल लग सकता है, आप निश्चिंत रहिए, गलत बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हैव ब्रॉट भी लगा सकते हैं, बस ब्रॉट इन ज्यादा अच्छा लगेगा, दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। क्लियर? एंड द लास्ट, देखते हैं लास्ट कौन सा है हमारा। तो दोस्तों आज का लास्ट है वन एंड ओनली, इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलीज, यदि स्टूडेंट्स योग्य हैं रिलीज करने में, रिलीज मतलब रिलीज मुक्त करने में, शो करने में द पोटेंशियल, एक एनर्जी को दैट दे पजेस, जो वो रखते हैं, द नेक्स्ट चैलेंज विल बी, तो नेक्स्ट चैलेंज होगा क्या, विल बी टू चैनल दैम, कि वो जो पोटेंशियल रखते हैं उसको चैनल करें, उसको प्रोड्यूस करें, उसको सामने लाएं इन द प्रोडक्टिव एवेन्यूज, एक बहुत ही प्रोडक्टिव फ्रूटफुल रास्ते में। मतलब कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं यदि वो योग्य हैं अपनी पोटेंशियल, अपनी ताकत को रिलीज करने में, दिखाने में, जो वो रखते हैं, तो उनके लिए चैलेंज क्या है, उनके लिए चैलेंज ये होगा कि वो चैनल करें, चैनल मतलब टू चैनल, दोस्तों टू चैनल का मतलब यहाँ पे है शो करने से, ठीक है, शो करने से या सामने लाने से, वही मतलब है कि वो शो करें, वो सामने लाएं क्या, उन पोटेंशियल्स को, पोटेंशियल को इन द प्रोडक्टिव एवेन्यूज, और कहाँ सामने लाएं, एक बहुत ही फ्रूटफुल रास्ते पर। एवेन्यू का मतलब होता है वे, रास्ता या तौर या तरीका, एक बहुत ही प्रोडक्टिव तौर तरीके से। प्रोडक्टिव का मतलब होता है दोस्तों फ्रूटफुल, कोई भी चीज़ जो फ्रूटफुल है, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल कहलाता है प्रोडक्टिव। एवेन्यूज मतलब होता है वेज, रास्ते, इज कॉल्ड एवेन्यूज। पोटेंशियल का मतलब होता है दोस्तों क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल इज पावर, POWER, ये है पोटेंशियल। तो सेनेस कहना चाह रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं यदि स्टूडेंट्स योग्य हैं रिलीज करने में, सामने लाने में, दिखाने में अपनी ताकत, दैट दे पजेस, जो वो रखते हैं, द नेक्स्ट चैलेंज विल बी, तो उनके लिए नेक्स्ट चैलेंज होगा टू चैनल, कि वो उसको प्रोड्यूस करें, उसको सामने लाएं इन द प्रोडक्टिव एवेन्यूज, एक बहुत ज्यादा फ्रूटफुल वेज में, फ्रूटफुल रास्ते में, जो कि हमारे देश के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो। तो जो रखते हैं ताकत उसको दिखाएं सामने, राइट एवरीबॉडी। तो एरर बहुत सिंपल है, हमने देखा सेनेस कहना चाह रहा है इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलीज द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल सिंगुलर है प्लूरल है, ये है सिंगुलर, कैसे पहचाना, पोटेंशियल्स नहीं है ना, इसीलिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल सिंगुलर है। और ये जो डैम यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ है, डैम ये दोस्तों पोटेंशियल के लिए यूज हुआ है, पढ़ो ध्यान से, यदि स्टूडेंट्स आर एबल, योग्य हैं रिलीज द पोटेंशियल, अपनी पावर को रिलीज करने में, दैट दे पजेस, जो वो रखते हैं, द नेक्स्ट चैलेंज, तो उनके लिए जो नेक्स्ट चैलेंज होगा विल बी, क्या होगा, टू चैनल दैम, कि वो उनको दिखाएं, तो दैम मतलब किसको दिखाएं, अपनी पोटेंशियल को दिखाएं, तो पोटेंशियल सिंगुलर है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे दैम नहीं आएगा, क्या आएगा, इट, यहाँ पे डैम के प्लेस पे इट आएगा, क्योंकि डैम जो होता है वो प्लूरल होता है और इट जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए लगाएंगे यहाँ पे टू चैनल इट, कि वो इसे दिखाएं इन द प्रोडक्टिव एवेन्यूज, एक ऐसे रास्ते पर जो कि लाभ दे सके। दिस इज व्हाट वी कॉल 15 एरर्स। ठीक है, आई ट्रस्ट कि आपको क्लियर हुए होंगे, ये थे हमारे आज के 15 एरर्स। दोस्तों एरर्स 15 हैं, छोटे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टाइम ले ही लेते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इनको 15 मिनट में ख़त्म कर दूं, लेकिन 15 मिनट में ना फिर बहुत ज़्यादा ब्ला 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 ब्ला, बहुत तेज़ी से पढ़ाना पड़ेगा, जो शायद कुछ के समझ में आए कुछ के ना आए, इसलिए थोड़ा लॉन्ग सेशन चला जाता है, लेकिन हल्का सा लॉन्ग। आशा करता हूं कि आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा और पावरफुल रहेगा। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है कि फ्रूटफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए आगे काम की चीज़ें और लाता रहूँगा और वीडियोस लाता रहूँगा, मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों। ठीक है, सो प्लीज़ जस्ट गो थ्रू विद दिस वीडियो, एरर फाइंड आउट करें, और जिनके भी एग्जाम्स हैं वो हिम्मत रखें और हौसला रखें। इफ़ यू हैव पैशन, परसिस्टेंस एंड पेशेंस, मैंने आपसे पूछा था उस दिन वीडियो में कि थर्ड पी क्या है, पेशेंस, यदि आप में ये तीन चीज़ें हैं तो आप डेफिनेटली अपनी जंग जीत जाएंगे, सक्सेस आपके कदमों पर होगी। क्लियर दोस्तों,
तो फिनिश करते हैं आज का ये सिलसिला यहां पे, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ और नेक्स्ट 15 एरर्स के साथ, वो कौन सी हैं देखेंगे कल, राइट? सो थैंक यू फॉर टुडे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री, राइट, ऑफ एजुकेशन एट योर होम. थैंक यू दोस्तों, नमस्कार.